बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, टुडे इज आवर क्लास ऑन बेसिक मशीनरी इक्वेशंस। ओके, सो हियर वी विल डिस्कस थ्री इक्वेशन एंड द फर्स्ट इक्वेशन इज हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट। सो व्हाट इज द हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट? इट इज द पावर रिक्वायर्ड टू ड्रा और रन अ मशीन इन द फील्ड। फील्ड में एक मशीन को जितने पावर की जरूरत होती है उसको रन करने के लिए, इसको हम कहते हैं इसका हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट। तो मैथमेटिकली हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट एच पी आर इज एफ इंटू एस डिवाइडेड बाई 3.6। सो व्हाट इज एफ? एफ इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू रन दिस मशीन एंड एस इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड 3.6 इज द कॉन्स्टेंट। ओके, अनदर equation is field capacity. So what is field capacity? It is the length, area or the material covered by a machine in unit time. एक घंटे में एक मशीन हमारे लिए कितना काम करता है, तो इसको हम कहते हैं इस मशीन की फील्ड कैपेसिटी। मैथमेटिकली फील्ड कैपेसिटी FC is equal to WS divided by 10. What is W? It is width of the machine in meters and S is the speed of the machine in kilometer per hour and 10 is अगेन कॉन्स्टेंट इन द फार्मूला। ओके, सो फील्ड कैपेसिटी जो है इसके टू टाइप्स है, एक वन इज थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी एंड वन इज एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी। थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी जो है ये जो आपका मशीन है इसके साथ जो मेन वन मिलता है उसमें लिखा होता है या मशीन के ऊपर लिखा होता है कि भाई इस मशीन की इतनी कैपेसिटी है, तो इसको हम कहते हैं मशीन की थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी। अनदर इज एक्चुअल, जब आप इसको एक्चुअल फील्ड ट्रायल्स देते हैं, फील्ड में चलाते हैं और आपको ये जितनी कैपेसिटी देते हैं हम इसको कहते हैं एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी। थ्योरेटिकल जो मशीन के ऊपर या इसके साथ जो मैनुअल मिलता है, जो बुक मिलता है उसमें लिखा होता है कि भाई इस मशीन की कैपेसिटी इतनी है, और एक्चुअल जब आप इसको फील्ड में चलाते हैं। ओके, द थर्ड इक्वेशन इज एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। सो व्हाट इज एफिशिएंसी? इट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी एंड एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी। मैथमेटिकली ईटा इज इक्वल टू एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी एंड थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेशियो लेकर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास वैल्यू आती है परसेंट में एंड दिस इज एक्चुअली द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। ओके, थैंक यू।